मिडिया 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 असलकम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिस्सु अमान में रखे आमीन या रबालमीन दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी इनामुद्दीन वकील साहब हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो केस है उस केस में ये क्या हो रहा है ये जो हमारी पुलिस है और हमारी जो अदालतें हैं ये क्या कर रही हैं आखिर मुफ्ती सलमान साहब के साथ ये दोहरापन क्यों हो रहा है जो भड़काऊ भाषण का इल्ज़ाम मुफ्ती सलमान साहब पर लगाया गया है उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया किसी स्पेशल आदमी को नहीं बोला जो भी उनका अशार था और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या क्या नहीं कहा गया मुसलमानों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता नहीं क्या क्या बोला गया उसके अलावा रोड पे नाले लगाए गए उन पे ऐसी कार्रवाई कब होगी इन सारी चीज़ों के बारे में हम चलते हैं चौधरी नामुद्दीन वकील साहब के पास और उनसे बात करते हैं कि उनका इन सब मामलों में क्या कहना है तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नामुद्दीन साहब आइए वकील साहब से समझते हैं ये पूरा मामला क्या है मुफ्ती सलमान आजहरी साहब की जो बेल थी बताया था ग्रांट हो जाएगी ग्रांट हो गई जी मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिस किया जा रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल भाई इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई अब पासा है क्या पासा अधिनियम उन्नीस क्या है गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूट लेगर्स खतरनाक व्यक्ति नशीली दवाओं के अपराधियों अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरा, हिरासत में लेने की अनुमति देता है तो इसमें एक चीज बताओ आप ही बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे अनैतिक तस्करी कर रहे थे या बूट लेकर बूट लेकर यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं बूट, लेकर्स, बूट जी, 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 उनको बूट लेकर बोलते हैं अच्छा अच्छा या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे क्या कर रहे थे जो उनपे पासा एक्ट की कार्रवाई करी गई जी बिल्कुल बिल्कुल अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है उनका कि कैसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए सच बोलने वाला कोई भी न रहे जी बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है बिल्कुल सही बात चलो ठीक है संविधान है संविधान का आर्टिकल नाइनटीन है आर्टिकल फोर्टीन है इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है कि कानून की नज़र में सब बराबर है बराबर है धर्म जाति लिंग इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सब कानून की नज़र में सब भारत के नागरिक हैं चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो कोई भी हो मगर कानून का उपयोग किया जा रहा है स्वागत है कानून का उपयोग आप कर रहे हो स्वागत है कोई दिक्कत नहीं है मगर सबके लिए बराबर होना चाहिए इंसाफ जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए जी, जी, आपने बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ आप गूगल सर्च कर लो ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं खतरनाक एक विशेष कम्युनिटी के लिए एक विशेष जात के लिए नारे लगाए जाते हैं उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो अगर कोई और है जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं उसको आप अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हो अच्छा वकील साहब एक मुफ्ती सलमान साहब से पहले किसी और पे लगाया गया है क्या पासा तो कई लोगों पर लगाया गया खैर पासा में अभी एक बहुत फेमस कोरोना टाइम में एक डॉक्टर साहब थे उनका नाम है डॉक्टर मितेश ठक्कर गुजरात के ही थे ठीक है। वो वैक्सीन का कुछ वो लेकर के उन पे लगाया गया था 106 दिन तक बेचारे जेल में रहे हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांड करी जी 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 106 दिन तक बेचारे रहे जेल में जैसा कि दिखा रहे इसमें 106 दिन तक थे बेचारे फिर उनकी बेल ग्रांट हो गई वो भी गुजरात हाई कोर्ट से तो साहब ये मुफ्ती साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुफ्ती साहब की आजमाइश चल रही है कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है ये तो मैटर था फर्स्ट हेरिंग का ही था कि बेल भाई उसी सेम ऑफेंस में और जगह से बेल ग्रांट हो गई जी बिल्कुल हो गई तीसरी थी वो भी ग्रांट हो गई अब आपने पासा लगा दिया भाई कल को ये भी पॉसिबिलिटी है कि पासा में आपकी बेल ग्रांट हो फिर कहीं से कुछ और लग जाए इनकी लीगल टीम को एक्टिव होना पड़ेगा एक्टिव है वैसे क्योंकि कई जगह से बेल ग्रांट कराई है एक्टिव ना होती तो बेल ही ना होती खैर मगर इसमें जा के सीधे हाई कोर्ट से वो कराई जाए इनकी हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुपर बेस्ट है नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है अच्छा वकील साहब हाई कोर्ट में हम जो अपील करेंगे इसमें हमारे पास कितना वक्त है कि हम जो है अपील कर सकते हैं तो इसमें अभी पहले यहाँ से पासा यहाँ से लगी क्या अब टाइम क्या है अपना है लग गया है अब जा करके फाइल करें हाई कोर्ट में अच्छा वकील साहब आपने जो बताया डॉक्टर साहब वाला जो मामला हुआ ये पासा एक्ट जो है ना गलत तरीके से यूज किया जा रहा है इसके लिए कोर्ट अपना जो है ना कुछ संज्ञान नहीं ले रही क्या इस बारे में अगर कुछ अपडेट हो कुछ बताइए भाई पहले भी इसका मिस हुआ है पासा एक्ट का काफी मिस हुआ है जी इसमें अभी अभी कोरोना वैक्सीन के चक्कर में डॉक्टर मितेश ठक्कर जी थे ठीक है उन पे भी पासा एक्ट लगा करके जेल में भेजा गया था जो गुजरात कोर्ट से उनकी बेल ग्रांट हुई जी 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 इसमें एक ऑर्डर है उसमें 2020 में सितंबर 2020 सितंबर 2020 में गुजरात कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें काफी फटकारा है कोर्ट ने इसमें है गुजरात पासा एक्ट ए लॉन्ग रनिंग सेगा ऑफ मिस एंड अब्यूज ठीक है ठीक है और इसका मैं स्क्रीन दूंगा आप लगा देना पब्लिक देखे कि इसमें पुलिस को और इनको जो उठा करके पासा का मिस कर रहे थे तो उसमें काफी फटकार पड़ी उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया इसमें और उसके बाद भी उसका मिस नहीं रुक रहा है तो वकील साहब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं कि बेल हमें जो है जल्द से जल्द मिल जाएगी भाई साहब जब हाई कोर्ट ने खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है जी जी जी। हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है क्या करना है आप जाओगे अपनी बात रखोगे ये ऑर्डर है इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब पहले भी मिसयूज हो रहा था अब भी क्या हो रहा है जो वहाँ का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांड करी है बिल्कुल मुफ्ती सलमान साहब को अगर इतना ही स्ट्रोंग एविडेंस होता उनके अंगेंस्ट जी तो वो जस्सा भी बेल ग्रांट नहीं करते बिल्कुल नहीं करते बिल्कुल बेल ग्रांट होने के बाद भी आप उनको रिकावट डाल रहे हो उनकी रिहाई में तो आपका इंटेंशन साफ है कि आपका किसी बंदे के साथ में आपकी मिली भगत है और उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो इसमें क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे जी आरटीआई टी हैं एक्टिविटिस्ट है जी, जो सूचना का अधिकार होता है उसके तहत इनसे जानकारी भी मांगी जाए जी जी जिन जनाब ने ये पासा एक्ट लगाया है जी कि साहब आपने अभी तक कितने लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण में पासा एक्ट की कार्रवाई करी जी जी भाई भड़काऊ भाषण का ही तो मामला है बिल्कुल बिल्कुल वही है कितनों के खिलाफ करी और इससे ज्यादा भड़काऊ भड़काऊ भाषण जो मेंशन कर दिए जाए कि ये फला फला डेट में हुए हैं और ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक दो सवाल और भी पूछे जाएं कि बहुत से मामले में कोग्निजेंस लेता है कोर्ट भी लेता है कोग्नीजेंस लेते हैं पुलिस भी लेकर के एफ करती है क्यों नहीं करी भाई तो इसमें कई सवाल पूछे जाए आर के दायरे में और रिटर्न में दिखाया जाए कि भाई ये आपका कंडेक्ट है अगर करो तो वही में बात करता हूं ना इक्विटी बिफोर लॉ जी 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 संविधान में साफ साफ है।, साफ है कि कानून के नजर में सब बराबर हैं बिल्कुल बिल्कुल धर्म जाति लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो ये भेदभाव क्यों बिल्कुल हमारी बेल भी मिल जाए अगर तो आप पासा लगा दो और उनके खिलाफ एफ आई नहीं दर्ज होगी तो बेल का तो मतलब ही नहीं है वो तो उनको इसमें एक शब्द है इंग्लिश का म्यूट कंसेंट जी जी चुप रहना इसमें बहुत से जो अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं है बहुत से लोग हैं जो खामोश है इस टाइम जी 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 कि हमें क्या लेना देना यार जो रहा होने दो तो ऐसा नहीं है आप खामोश हो इसका मतलब इस गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो जी बिल्कुल बिल्कुल मौन सहमति हिंदी में बोलते हैं म्यूट कंसेंट।, म्यूट कंसेंट अगर कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर ताकत है इस्लाम भी यही कहता है कि कुछ गलत हो रहा है अगर आपके अंदर ताकत है तो उसको रोक दो जी बिल्कुल सही फरमा और नहीं ताकत है तो मन में तोबा करो कि भाई ये गलत हो रहा है मगर आपके अंदर बहुत से मैं जानता हूँ कि इतने पावरफुल हैं चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है मगर वो चुप है वसीम बरेलवी साहब है उनका शेर है पे जहाँ आ चाहे टकराना जरूरी है जी, जी। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा जरूरी है अच्छा वकील साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो सारे मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है भाई देश तो गड्ढे की तरफ जा रहा है जिस देश में इंसाफी ना हो इंसाफ भी चेहरा देख के इंसाफ भी मजहब देख के धर्म देख के जाति देख के अगर मिलने लगे जी 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 तो भाई उस कहा किस ओर जाएगा वो आप भी देख रहे हो किस ओर जा सकता है रसातल में जाएगा कानून जो है इसमें कानून की मूर्ति पे पट्टी बांध रखी है जी बिल्कुल कि जो सबूत और सबूत ला के पेश कौन करेगा पुलिस का काम है पुलिस कभी कभी प्रेशर में आ जाती है क्योंकि भाई किसी के अंडर में है उनका ऑर्डर आएगा अब ट्राफिक ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़े अधिकारियों को लालच हो जाता है दे दिया जाता है तो भाई जो भी है पहले भी सरकारें रही हैं ऐसी बात नहीं है ये भी सरकार है तो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो अंध समर्थक हैं जिनको लोग अंधभक्त अंध, अंध समर्थक बोल रहे हैं उनको भी बता दूं भाई सरकार आज कोई नई नहीं, नहीं है कितनी सरकारें आई हैं चली गई हैं बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा करो कि आने वाले टाइम में इसका आपके खिलाफ भी कोई मिसयूज ना करे जो गलत है उसको गलत कहो जो सही है उसको सही कहो गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है बिल्कुल एकदम ठीक बात है अगर आज हमारे साथ गलत हो रहा है तो इसकी भी फुल गारंटी कल आपके साथ होगा ही होगा जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ये देश जो है हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है जो हमारी इस देश की बड़ी आबादी है उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं उन पर गौरव फिक्र करना चाहिए अगर आज हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ऐसा ना हो कि कल आपके साथ भी वैसा ही हो जो हमारे साथ हो रहा है क्योंकि इसमें एक छोटा सा और संदेश है दिल्ली में अगर कोई भी भाई बेगुना फसा हो जी जी चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो जी वकील मैं उसके साथ खड़ा हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेगुना होगा पूरा समर्थन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जी जी भिल्कु. कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जी बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब ऐसा ही होना चाहिए एक अच्छे इंसान को जो परेशान की मदद करें हम इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं इसको आगे शेयर करेंगे चलिए मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ खुदा आफिछ।